था तो सिनेमा रुक जाता था, वो अगले दिन शूट होता था कि नहीं 10 लोग कम क्यों है, अगर 50 लोगों की जरूरत ही तो 40 क्यों है। तो कहीं ना कहीं रोशन सर का एक योगदान, और रोशन सर ने अपने सिनेमा को सिनेमा की नहीं बल्कि मुझे लगता है कि अपने बच्चे की तरह इसको बड़ा संवारा है। तो सबसे ज्यादा अगर बधाई के पात्र कोई है तो रोशन भैया है, तो मैं चाहूंगा कि उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। चलिए तो फिर अब आपने रोशन जी की इतनी अच्छी अच्छी बातें की, ला लेते हैं द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म मिस्टर रोशन सिंह जी, प्लीज जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। एंड मिसेस शर्मिला आर सिंह जी, प्लीज आपका भी हम मंच पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और द डायरेक्टर, इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं आपको भी हम इनवाइट करना चाहते हैं, मिस्टर प्रेमांशु सिंह जी, स्वागत आप सभी का। तो शुरू करें, ये जो न्यू लुक है, अच्छा सबसे पहले सर मैं आपसे थोड़ा सा सवाल करना चाहूंगी, जो न्यू लुक है रंग दे बसंती का, इसमें क्या खास है? ये ओपन होने वाला है लेकिन थोड़ा सा एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं, ओपन होने देते हैं। चलिए न्यू लुक तो भी काफी और खास होने वाला है, सो लेट्स बिगिन द न्यू लुक ऑफ द फिल्म रंग दे बसंती। और सर आपका जो शर्ट है वो भी काफी मैच लग रहा है, पूरा जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है। चलिए अब हम बुलाते, जैसे कि आपने सुना ये भोजपुरी फिल्म है लेकिन इसका नाम हिंदी में है रंग दे बसंती। सो सिर्फ इसका नाम हिंदी में नहीं है, हमारे हिंदी टेलीविजन एंड फिल्म इंडस्ट्री के काफी बड़े बड़े कलाकारों को इसमें कास्ट किया गया है। और अब जो मैं स्टार कास्ट अनाउंस करने वाले हूँ ये खास है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टेज पर इनवाइट करना चाहती हूँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी लगती हैं और एक्टिंग का तो इनके जवाब नहीं, हिटलर दीदी हो या फिर बेगूसराय हो, इतने बड़े बड़े सीरियल्स और बहुत सारी टीवी सेलिब्रिटीज, बहुत सारे लोगों के साथ में काम किया है, और रति पांडे, जोरदार तालियां बजाए, कम ऑन एवरीवन। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस हमारे बीच में आ रही है, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। रति जी आप सबसे पहले तो बहुत प्यारी लग रही हैं और सभी लोग एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबसे पहले तो प्रणाम सबको मेरी तरफ से, या आप सबको, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि मैं भी बिहार से हूँ और ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपने रीजन के लिए, अपने राज्य के लिए एक भोजपुरी फिल्म करूँ, और लकीली मुझे मेरे हाथों में रंग दे बसंती, जो कि इतने अच्छे प्रोड्यूसर्स, इतने अच्छे मेकर्स, इतने अच्छे एक्टर्स के साथ मुझे काम करने का जो मौका मिला, आई थिंक ये भगवान का आशीर्वाद है जो मेरी झोली में रंग दे बसंती आया। सो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, जैसे जो हम लोग काम करते आए हैं फिल्मों का अलग एक्सपीरियंस होता ही है, लेकिन भोजपुरी फिल्म एक रीजनल फिल्म जो है वो मेरी पहली रीजनल फिल्म है और वो भी अपने भाषा में, तो मुझे तो बड़ा मजा आया, इनफैक्ट मैं अपना हिंदी बोलना भूल गई, मैं हमेशा इन लोगों के साथ भोजपुरी में ही बात करती हूँ। आपका भी हम स्वागत करते हैं मंच पर, सो वेलकम। अब सेम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम आप आ रही हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी पूरी टीम के साथ में? हाय गाइस, सो माय फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज रियली क्रेजी, मुझे लैंग्वेज नहीं आती है और मुझे मेरा सॉन्ग शूट था तो मुझे लैंग्वेज नहीं आती, लिपसिंग्स इन्होंने मुझे सिखाया, रिकी सर थे, माय प्रोड्यूसर्स शर्मिला जी,
रोशन सर. सो इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड इंशाल्लाह यू गाइस विल लाइक इट टू. थैंक यू. काम करके सभी को एक्टर्स के साथ में काम करके आपको कैसा लगा? बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में मेरी एक फैमिली है. आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मेरी एक और फैमिली बन चुकी है. मेरे छोटे भाई हैं केसरी भाई, मेरे से उम्र में छोटे हैं लेकिन बहुत बड़े हैं. इस साल के फिल्म ने मुझे ये मौका दिया है यहाँ पे अपने आप को परफॉर्मेंस करने का. रोशन सर, शर्मिला दीदी, प्रेमांशु सर, इन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया इस रोल के लिए. मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इनके लिए. और मैंने आई कांट एक्सप्रेस मच, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, बट मेरे को इतना आनंद मिला है, इतना अच्छा फैमिली मिला है दैट आई चेरिश दिस थ्रू आउट माय लाइफ. मैं पूरी जिंदगी भर इन पर आभारी रहूंगा और भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत बहुत धन्यवाद. और इतनी अच्छी फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म पहली बार भोजपुरी में बनी है, मैं बहुत खुश हूँ. और मैं चाहूंगा कि आगे भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री मुझे बुलाए तो मैं जरूर आऊंगा. थैंक यू वेरी मच. सामने है, बहुत ही क्यूट से हैं और पहली बार रात बसंती में इन्होंने एक्ट किया है और कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके. तो ये रही हमारी पूरी टीम इस फिल्म की, द न्यू स्टार कास्ट एसआरके म्यूजिक की तरफ से जो आने वाली है ये फिल्म रात बसंती. एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी सभी एक्टर्स के लिए. लेकिन हम ये नन्हे ऋषभ की अगर आवाज नहीं सुने तो अच्छा नहीं लगेगा. ऋषभ हेलो. अच्छा, आप ये जो आउटफिट में आए हैं, ये जो आपने कपड़े पहने हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके. तो आपको इस फिल्म में कैमरा के सामने एक्टिंग करके कैसा लगा, पापा के जैसे? अच्छा, हाउ स्वीट. तो चलिए अब ये जो हमारी पूरी स्टार कास्ट है, ये फिल्म रिलीज होने वाली है बहुत जल्दी एंड हम सबकी तरफ से बहुत सारी विशेस. लेकिन अभी एक बार फिर से मैं हमारे फिल्म के जो प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैं उनको बुलाना चाहती हूँ. रोशन जी, रोशन सिंह जी, शर्मिला भाभी, प्लीज आप भी आ जाइए. प्रेमांशु सिंह जी, आपको भी हम मंच पर बुलाना चाहते हैं. सो द होल टीम इज हियर, फोटो सेशन शुड स्टार्ट. शुरू करते हैं फोटो सेशन. सर ये फॉर द फर्स्ट टाइम आप सभी देख लीजिए, जूनियर खेसारी लाल यादव हमारे सामने हैं, बहुत ही क्यूट से हैं और पहली बार रात बसंती में इन्होंने एक्ट किया है और कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके. तो ये रही हमारी पूरी टीम इस फिल्म की, द न्यू स्टार कास्ट एसआरके म्यूजिक की तरफ से जो आने वाली है ये फिल्म रात बसंती. एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी सभी एक्टर्स के लिए. लेकिन हम ये नन्हे ऋषभ की अगर आवाज नहीं सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा. ऋषभ हेलो. अच्छा, आप ये जो आउटफिट में आए हैं, ये जो आपने कपड़े पहने हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके. तो आपको इस फिल्म में कैमरा के सामने एक्टिंग करके कैसा लगा, पापा के जैसे? अच्छा, हाउ स्वीट. तो चलिए अब ये जो हमारी पूरी स्टार कास्ट है, ये फिल्म रिलीज होने वाली है बहुत जल्दी एंड हम सबकी तरफ से बहुत सारी विशेस. लेकिन अभी एक बार फिर से मैं हमारे फिल्म के जो प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैं उनको बुलाना चाहते हूँ. रोशन जी, रोशन सिंह जी, शर्मिला भाभी, प्लीज आप भी आ जाइए. प्रेमांशु सिंह जी, आपको भी हम मंच पर बुलाना चाहते हैं. सो द होल टीम इज हियर, फोटो सेशन
शुड स्टार्ट, शुरू करते हैं फोटो सेशन। सामने दीजिए, सर 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 साथ में, सर साथ में रहिए थोड़ा। यस मैम, सामने सर, रोशन सर सामने। यस हो गया। हमसे मिलाता रहे और हर साल ऐसे ही हम एक दूसरे से मिलते रहे, एक दूसरे की खुशी में रहे, एक दूसरे की मोहब्बत में रहे, ये मेरी शुभकामना है। हर हर महादेव। के लिए ही अपने आप में इसे फिर लाना बड़ा थम्स अप किसी चीज के लिए भी, किसी के लिए। और कोई सवाल किसी का? थैंक यू सो मच, लव यू ऑल सर, लव यू, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे मैं स्टेज पर आई, मैंने कहा कि ये मेरा सपना था, ये मेरी दिल्ली की ख्वाहिश थी कि मैं अपने प्रांत के लिए मूवी तो ज़रूर करूँ। और जैसे कि मुझे 7 लैंग्वेजेस आते हैं, मैं भोजपुरी तो मेरी मतलब क्या मैं हमारी लैंग्वेज, तो मेरी काफ़ी टाइम से ख्वाहिश थी कि मैं भोजपुरी करूँ। और जब मुझे दमदी बसंती जैसा सब्जेक्ट मिला, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड और सच सब्जेक्ट जहाँ पे मैं अपना परफॉर्मेंस दिखा सकूँ। एंड लकीली रंगने बसंती एक ऐसी मूवी है भोजपुरी में जो कि जिसमें परफॉर्मेंस हो रही है।
रिलेटेड कैरेक्टर मुझे मिला है, जहाँ पर मेरी आप कभी मैं बताऊँगी नहीं, बट बहुत सारे अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस रिलेटेड सीन्स हैं मुझे करने को मिला है। आई एम रियली ओवरवेल्म्ड कि मेरी जो लॉन्च हो रही है, मेरे ब्रांड को, मेरी पूरी इंडस्ट्री पर वो इस प्रोजेक्ट से हो रही है। सो इससे बड़ी चीज़ आप कुछ नहीं हो सकती, बिकॉज द मेकर्स आर सो गुड। क्योंकि मैं बहुत स्केप्टिकल थी भोजपुरी फिल्म का नाम सुन के कि भाई पता नहीं क्या बना रहे होंगे, बट व्हेन दे नरेटेड मी द स्टोरी इन द होल कास्टिंग के बारे में, जब व्हेन दे शोड मी द सॉन्ग्स दे शोड, जिस तरह के गाने बन रहे थे, तो आई सेड कि मैं इस तरह के भी गाने बनते हैं क्या, क्योंकि हम लोग कभी सुनते नहीं। सो आई एम वेरी स्पेशल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। पहली बात तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भोजपुरी ही करने वाली हूँ, बट या व्हेन आई गॉट द स्क्रिप्ट एंड व्हेन आई गॉट टू नो दैट शी इज इन द मूवी, केसरी सर है, तो इट वाज समथिंग दैट आई वाज वेरी कीन टू डू, बट द लैंग्वेज पार्ट होपफुली दे मेड इट वेरी इजी फॉर मी एंड सब कुछ एकदम अच्छे से हो गया एंड इंशाल्लाह आई होप यू गाइस लाइक इट। सारी जी जो है सुपरस्टार है भोजपुरी में, एज एन एक्टर आप दोनों से जाना चाहूँगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप लोगों ने बहुत काम किया हिंदी में, लेकिन भोजपुरी में डेब्यू रहा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके सारी जी के साथ, उस बारे में कुछ शेयर करें। दोनों के अलग अलग एक्सपीरियंस और मी वो बहुत ही मस्त और एकदम चिल्ड आउट, नो स्ट्रेस, एकदम बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। हम सिर्फ जोक्स क्रैक करते रहते थे, बट हाँ ऑब्वियसली जब सीन्स करते हैं तो बहुत सीरियस भी हो जाते हैं, बट अदरवाइज बहुत सुपर था, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। मेरे लिए मैं कहूँगी कि मेरा घर जैसा ही है, मुझे बहुत फील हुआ, बिकॉज मैं हिंदी इंडस्ट्री से ज़रूर हूँ और हम लोगों ने काम भी बहुत अलग तरीके का किया है, बट ये जैसे मेरे माँ बाप की लैंग्वेज है, मैं उस प्रांत की हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मैं बाहर हूँ, मैं मुझे लग रहा था कि मैं घर के अंदर ही हूँ, और काफ़ी फैमिली वाली फीलिंग आती है, वी आर फैमिलियर विद द लैंग्वेज, तो काफ़ी कम्फर्टेबल था, बिल्कुल भी मुझे फील नहीं हुआ कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है या कह सकते हैं, बिकॉज दे आर सो कम्फर्टेबल टू वर्क विथ, हंसी मजाक करते रहते हैं कि सारी जिनको अपने आप में ही मतलब एक एंटरटेनमेंट पैकेज है, तो बड़ा मज़ा आता था, बट वही है कि हम लोगों ने काफ़ी वेदर सिचुएशंस जो हम लोग गुजरे हैं, मतलब ठंड गर्मी अदर इतने एक्सट्रीम वेदर के से हम लोग गुजरे हैं, कश्मीर में शूट करके, फिर आजमगढ़ में हम लोगों ने बहुत गर्मी में शूट किया है, सो क्लाइमेट कंडीशंस ऐसे थे कि बहुत ही मतलब हमारा टॉलरेंस लेवल बहुत ही टेस्ट किया गया उस वक्त, सो इट वाज फन टू वर्क विद एवरीवन। नहीं, मैं केसारी जी को यूज़ लेके जाती थी, मैंने उनके कुछ गाने सुने, मैं केसारी जी को अपने आप के लिए एक पैकेज जैसे मैंने बोला, मुझे पता था कि अच्छा वो ठीक है वाला गाना क्या, अच्छा वो ठीक है, तो उसके बाद जब मुझे पता चला अच्छा केसारी जी ये है, तो आई स्टार्टेड स्टॉकिंग हिम, नॉट स्टॉकिंग हिम, बट होता ना कि क्यूरियोसिटी होती है कि कौन है ज़रा देखें, तो पता चला कि अच्छा इज़ अ सुपर स्टार ऑफ भोजपुरी। It's fun to be with you. Also, जो है आप दोनों से जाना चाहूँगा, दोनों का लुक जो है डिफरेंट लग रहा है, आप कैंपस लुक में दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा मतलब लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। नहीं, वो आप ये आप नहीं क्या समझ, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप उल्टा ही बोल रहे हैं। हाँ, कुछ और ही बोल रहे हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से डेफिनेटली, जैसे कि हम लोग हिंदी इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं, तो मैं तो स्पेशली ये बोलना चाहूँगी कि ये हमारा एक न्यू वेंचर है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में आकर, इतनी अच्छे सब्जेक्ट, इतने अच्छे कॉन्टेंट के साथ, वी आर आई एम वेरी फीलिंग वेरी स्पेशल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, तो आप ज़रूर देखें रंग दे बसंती, एक अगर आपको एक अलग फ्लेवर चाहिए, अगर वही सिनेमाटोग्राफी का कुछ अलग चीज़ आपको देखना है, तो आप ये फिल्म ज़रूर देखें, एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट है और एंटरटेनमेंट ही। आप कुछ बोलना चाहिए? सारी चीज़ें तो हमने बोल दिया, फिर सारी चीज़ें कुछ नहीं बोलना चाहिए, जो ये बोली है उसे तो आप लोग फिर से रिपीट कर दो। आइए आइए बीच में आइए जी, किसी का कोई सवाल? आनंद भाई, फिल्म के अलावा प्लीज कुछ नहीं पूछने। जय
भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में नहीं पूछने का, हमारी भोजपुरी फिल्म के बारे में पूछने का। अनंत त्रिपाठी इधर है इसलिए डर लगा, इसलिए मैंने बता दिया कि ये आदमी सिनेमा से अलग ही पूछते हैं कुछ नहीं। साहिब भाई, मैं ये सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि आपका लुक बड़ा शानदार लगा मुझे आप फिल्म में रंगे रंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। इतनी बढ़िया, इतनी मेहनत आप लोगों की अलग अलग शेड्यूल्स में माइनस टेम्परेचर में शूट किया और उसका आउटपुट जो है वो पोस्टर पर मिला। आखिर भाई कैसे? जिंदगी में कुछ काम मुश्किल जो होते हैं ना, जितनी मुश्किल जो चीजें होती है ना, मुझे लगता है आउटपुट इनपुट उसी का बेहतर होता है, क्योंकि दर्द से निकलने के बाद इंसान दर्द का एहसास करता है। मुझे लगा जब माइनस है और उस माइनस डिग्री में ये तो नहीं थी बट ये थी। ये जो आप तो पिक्चर देख रही है, मेरा फर्स्ट डे का, फर्स्ट डे का है और माइनस एट डिग्री में मैं ओपन बॉडी फाइट किया हूँ, ये देखिए, ये नहीं, क्योंकि इनका वहाँ पे काम नहीं था, इनका इंडिया में काम है, इंडिया में ही है ना, कश्मीर अब हो गया है हमारा तो हमारा इनके साथ मेरा काम कश्मीर में नहीं था, इनके साथ था ये गाना मेरा, बट वो बहुत टॉप जॉब था मेरे लिए। एक तो बर्फ में ओपन बॉडी आपको वर्क करना है, बर्फ पे गिरना है, तो वो थोड़ी सी टॉप थी मेरे लिए, बट मुझे लगा जी जो अच्छे एक्टर होते हैं उन्हीं को टॉप जॉब मिलता है, शायद मेरे डायरेक्टर प्रिमांशु जी या मेरे प्रोड्यूसर रोशन सिंह जी को लगा कि शायद मैं बेहतर कर सकता हूँ, इसीलिए शायद ऐसा रोल उन्होंने चुना। और वहाँ पे जितने भी करेक्टर थे, अब जितने भी वहाँ के पूछे तो स्पॉट बॉय से लेकर 6 स्पॉट बॉय तो भाग गए, इतनी ठंड थी कि वो कर नहीं पाए। और उसके बाद सारे क्रू मेंबर जो भी थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो रुके और सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, लग रहा था हम लोग लंदन में हैं, हमें यहाँ कोई मिलेगा नहीं। शहर से 40 किलोमीटर दूर दूधपथरी पे वो बहुत टॉप जॉब था। और 18 से 19 दिन एक फ्लाइट था मेरा जो कि मुझे गाड़ी उड़ाना था, उस दिन मुझे लगा जाए मैं जिंदा रहूँगा या कि नहीं मिलेगा, लेकिन बस लोगों की दुआएं और लोगों का प्यार है जिसे मैं वो कर भी पाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब ये सिनेमा रिलीज होगी तो शायद आप लोगों को पता चलेगा कि मौत से खेलना क्या होता है। किशोरी जी, आपका जो किरदार है वो पैट्रियोटिक फिल्म में और आर्मी वाले का किरदार कितना कनेक्ट करेगी ऑडियंस, और जो चीज़ें हैं जो आर्मी वाले सरहद पर करते हैं क्या वो चीज़ें भी दिखाई जाएगी, और थोड़ा सा बताइए अगर फिल्म के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। देखिए एक चीज़ है कि हम अभी हवा में, कौन से हवा लोगों को लगेगा जी ये ठीक है, कौन सा लोगों को हवा लगेगा कि इस हवा में कोरोना है, ये हमें पता नहीं। हम एक बेहतर काम करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, बाकी ऑडियंस को क्या बेहतर लगेगी क्या नहीं लगेगी अभी हमें पता नहीं, बट उनकी बेहतर के लिए ही हमने किया। हमारी कोशिश है यही कि हम चाहे वो धूप हो, चाहे वो जाड़ा हो या ठंडी हो, गर्मी हो या बरसात हो, हम एक ऐसे एक्टर हमारी जो हमें जिस काम के लिए चुना जाता है, चाहे वो मैं हूँ, रचित जी हो या डायरेक्टर, चाहे एवरीथिंग जितने भी हमारे आर्टिस्ट हमारे साथ सब ने अपना 110% दिया है किसी ने, और चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे स्पॉट बॉय से लेकर हर वो आदमी, ऐसे मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर तक मेरे साथ उस ठंड में शर्मिला दीदी और रोशन सिंह जी लगातार खड़े रहे, जबकि एक प्रोड्यूसर पैसा खर्चा कर दे कि यार तुम लोग काम करो, हम होटल में हैं या इतना ठंडा में नहीं रह सकते। लेकिन उसके बड़ा जो चैलेंज था वो वेदर एंड क्लाइमेट चैलेंज था, गर्म और ठंड भी दोनों चीज़ें हम लोगों को बहुत परेशान किया कश्मीर वाला, और कट्टू उसका उल्टा था जब हम लोग वहाँ पे शूट किए आजमगढ़ में, इनको तो बाप रे, इनको तो लगता था कि धरती का सारा गर्मी इन्हीं को लग रहा है, 5 मिनट नहीं होता था भाई यार, इनको तो मेकअप लगता नहीं। सबसे पहले तो इनके बारे में आपको बता दें, भगवान ने इनको आखिरी बनाया है या फर्स्ट बनाया, फर्स्ट कॉपी है या आखिरी है पता नहीं, इनको मुझे सुंदर दिखाने के पकड़ में इनको डल करना पड़ता था। अब इनको ज़्यादा कुछ भी लाइट लगता था ना भाई, मैं पूरी सिनेमा में सुंदर नहीं दिखाऊंगा, इनके साथ जितना भी मेरा सीन होगा मैं सुंदर दिखाई नहीं, रीजन की अगर लाइट लगा दोगे तो यार उससे भी कई गुना ज़्यादा सुंदर लगती है। हाँ, इनके साथ मेरा मैच हो गया है, हम दोनों का कलर सेम है, ये डिफरेंट है, तो दोनों जगह मुझे बहुत थोड़ा सा कष्ट हुआ कि एक जगह मैं बिल्कुल डल दिखाऊँ जो सबसे सुंदर हॉट लड़की है, एक जगह जो घर में
क्या होते हैं जो लड़कियाँ इनके इनके सामने में मैच कर गया हूँ, मतलब हम लोग मैच्ड हैं, हम मैच हैं, बट इनके सामने मैच करना मेरे लिए नहीं, मेरे लिए पता नहीं क्या था, बट मेरे डायरेक्टर और मेरे डीओपी के लिए बहुत टॉप जॉब था कि मेरा डीओपी कहाँ से खेसारी को दे दो लाइट, कहाँ से डायना का कम कर दो, कम से कम एक सीन के लिए एक घंटा लाइटिंग होता था इनके लिए, क्योंकि इनको थोड़ा सा भी लाइट लगता था तो ये एकदम डायरेक्ट मैदा का गोली लगती थी और बहुत ज्यादा गोली हो जाती थी, थोड़ा सा मुझे प्राउड अपने बच्चों पे तब होगा, और किसी भी बाप को अपने बच्चों पे प्राउड तभी होना चाहिए जब वो अपने दम पे कुछ करता है। अभी तो ऋषभ मेरे बदौलत यहाँ आया और उसका मोटो एक्टिंग नहीं है, और मैं कभी अपने बच्चों पे चाहे किसी भी मैं सब जितने भी पेरेंट्स हैं मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने सपने को ना अपने बच्चों में मत ढूंढो, उसको जो बनना होगा वो बन जाए। मेरे पापा मेरे को लिट्टी चोखा बेचवा रहे थे लेकिन मैं यहाँ तक पहुँचा और मैं अपने जीवन को अलग लेके आया। तो ज़िंदगी में अपने बच्चों पर अपने सपने को मत थोपिए, और मैं भी अपने बच्चों पर अपने सपनों को नहीं थोपता, उसको जो बनना होगा वो बन जाएगा भाई, हमें जो बनना था हम बने, उसको जो बनना होगा वो बनेगा। तो हम अभी 6 साल का बच्चा है, अपने सपने को अभी से थोप दे कि तुमको यही बनना है, वो डिप्रेशन में अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएगा, इसलिए मुझे लगता है कि उसको जो बनना होगा बनेगा। अब उसका सपना अगर एक्टिंग है तो एक्टिंग करेगा, मेरा कोई सपना नहीं है कि मेरा बेटा क्या बने, मुझे जो बनना था बना, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी भी फैमिली आएगी, उसका भी अपना सपना होगा, वो जो बनना होगा बने भाई, उसके लिए जो करना है मैं कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि इस सिनेमा में ऐसे मुझे लगता है कि पहली बार भोजपुरी में इन्होंने भी काम किया, ये भी बहुत बड़ी एक्टर है, घायल टू जैसे सिनेमा इन्होंने करके हिंदी लेवल पर करके आया, ये तो हम लोगों की माँ। एक्टिंग के मामले में मैंने रणदीप पांडे को मैंने अपने जीवन में एक चीज़ देखा कि जब ये मेरे सामने खड़ी होती थी ना तो मेरे लिए इतना चैलेंजिंग होता था कि मैं यार इस लड़की के सामने कैसे, क्योंकि ये अपने आप को जो चेंज करती थी ना एट ए टाइम, क्योंकि ये मेरी पत्नी भी है और मेरी माँ भी है, दो चीज़ें इन्होंने प्ले किया है और एक एक्टर के लिए चीज़ें हैं, तो एक एक महिला के लिए दोनों प्ले करना और ये बाप रे सामने कोई भी हो एज ए गुड एक्टर, मैंने बहुत सारे एक्टरों के साथ काम किया बट रति द बेस्ट एक्टर, और इनका बॉडी लैंग्वेज और सेट पे जो माहौल और इनके अंदर इनकी भी एक खूबी है जिसे हमें कभी नहीं लगा ये हिंदी लेवल से आई हैं या हिंदी की इन्होंने परफॉर्म करके आया, हमारा जो माहौल होता था ना वो एक अनक्लियर होता था, ऐसा नहीं मुझे कभी लगा जी यार ये भोजपुरी समझ के मुझे अवॉइड करेगी, हम लोगों ने मस्ती भी खूब की, चाहे ये है चाहे वो है चाहे ऋषभ हो, इनकेस मेरी वाइफ भी सीट पे बहुत दिन रही है, चाहे मेरी होता है ना कि एक माहौल जो होता था वो बहुत फैमिलियर था, और इसीलिए शायद हम एक दूसरे को सपोर्ट करके एक बेहतर सिनेमा कर पाए, नहीं तो शायद हम नहीं कर पाते। और बहुत टफ था भाई ये रणदीप बसंती, मुझे लगता है ना कि मैंने जिंदगी में बहुत सारे वर्क की है, इससे भी टॉप टॉप चीजें की है, लेकिन आपको अभी बेटा बनना है और अभी बाप बनना है और अभी तुरंत दादाजी बन जाना है, तो उसके लिए चेंज ओवर और सबके साथ होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ही करेक्टर चेंज, बहुत सारे करेक्टरों पर काम करना बड़ा टॉप जब था, गर्मी भी थी ठंडी भी थी बरसात भी था, तो सारे चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि भोजपुरी की एक ऐसी फिल्म है जो मेरे जीवन अभी तक, इसके बाद कितना महंगा करूँगा मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक जितने भी मैंने सिनेमा किए सबसे बिग बजट और बिग एक प्रोजेक्ट है, जो कि आपको नहीं लगेगा कि आप एक हिंदी फिल्म नहीं देखें, भोजपुरी भाषा जरूर है लेकिन आपको लगेगा मैकिंग टैकिंग हर वो चीज़ चाहे वो करेक्टर हो, और करेक्टर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हिंदी लेवल से, अभी हमारे जो त्रिपाठी थे अब आप लोगों ने जो कलकत्ता के हमारे अमित भट्टाचार्य जी, आप लोगों ने उनको बहुत सारे सिनेमा में देखा भी होगा, जो कि मुन्नी के बाप भी बने हैं बजरंगी भाईजान में, मुन्नी के बाप वही बने थे, तो बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जो हिंदी लेवल से लिए गए हैं, और ये क्वीन बाप ने बाप
इनको लेने मतलब बहुत डरना पड़ता है, अच्छा लगता है एक चैलेंज ओवर, और इनकी पर्सनालिटी, भगवान ने इनको आखिरी बनाया और लास्ट बनाया है, इसके बाद प्लीज भगवान अगर बनाना तो एक्टर पैदा मत कर, इसके इनको अगर बनाना तो आखिरी रखना, इसके बाद मत बनाना, और बनाना तो एक्टर मत बनाना, ऐसे एक्टर मैनेज करने में बहुत कठिन होती है, और एक कैमरामैन के लिए डायरेक्टर के लिए टॉप जॉब है ये। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग आपके वर्दी आप पर बहुत मेरे पे क्या सूट नहीं करता होता वर्दी इसलिए सूट करती है बीएसएफ के दिनों से कहीं डायरेक्टर खाते हैं। एक बात बताएं आपसे, अगर आपके अंदर एक्ट होना, आपके अंदर भावना होना, जज्बा होना, तो दुनिया की हर वो चीज़ आपके सूट करती है। मुझे लगता है एज एक्टर ऐसा नहीं कि वर्दी मेरे पे सूट करती है, मेरा पहला टीचर आएगा तो आप देखना, उसमें आपको लगेगा जिस भाई आपने यही सूट करता है। तो जिंदगी में हमें जो मिला है, मुझे लगता है कि हमारी अपनी खुद की जिंदगी कोई होती नहीं है, हमारी जिंदगी जो है ऐसे एक्टर हर आदमी की जिंदगी, मुझे अनंत त्रिपाठी की जिंदगी जीना पड़ता है, हमें पूजा की जिंदगी जीनी पड़ती है, हमें डायना की जिंदगी जीनी पड़ती है, तो ऐसे एक्टर मुझे लगता है कि हमारी कोई अपनी पर्सनल जिंदगी है नहीं, हमारी जो जिंदगी है वो एक आम इंसान की जिंदगी है, जो मुझे करेक्टर प्ले करने को मिलता है, अगर मैं वही नहीं कर पाया तो मुझे नहीं लगता है कि मैं एज एक्टर फिट हूँ, और मुझे करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, अगर एक ही टाइप का मुझे रोल करना चाहिए तो ऐसे मैं एक्टर ठीक नहीं हूँ, तो फिर मुझे एक ही टाइप का कोई, उससे अच्छा किसानी कर लूँ, मैं लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाऊँ, क्योंकि एक आदमी जिंदगी को नहीं चला सकता है। एक मंत्रालय में देखिए, अमित शाह जी भी हैं, मोदी जी भी हैं, गडकरी जी भी हैं, तो हर मंत्रालय का अलग अलग, और एक एक्टर को हर मंत्रालय प्ले करना हो तो जो हर मंत्रालय प्ले कर सके उसी को एक्टर बनना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो मुझे लगता है कि तुम ठेला लगाओ यार, दूध उध बेचते रहो, अरबूद बेचो, कोई मतलब नहीं। बट जब हम फिल्म करते हैं फौजी के आप किरदार करते हैं, तो मुझे लगता है फौज के लिए रिस्पेक्ट अपने अंदर और ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ जाती है महाराज, फौज मुझे लगता है कि सबसे टॉप जॉब फौज का है, और एक फौज का किरदार करना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, डिसिप्लिन जो होती है ना उनकी, वो माइनस करना बड़ा कठिन हो जाता है, खड़ा कैसे रहना है, तो हाथ कहाँ रहना चाहिए, और ऐसे एक्टर आदमी काम करे, अपने एक्सप्रेशन पे ध्यान दे, उस बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दे, तो बहुत टॉप जॉब है, और सलूट है कि यार अपने फौजी भाइयों के लिए कि वो कितने डिसिप्लिन के साथ अपने देश का रक्षा करते हैं, डिसिप्लिन के साथ देश का रक्षा करना, और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर आती है कि डिसिप्लिन के साथ हमें एक्टिंग करना होता है, तो टॉप तो है हमारे लिए, क्योंकि हमें 24 घंटा वहाँ नहीं रहना, और 24 घंटा हम उस मानसिकता में नहीं होते, लेकिन कुछ जो सर बोले मेन बात वही है कि भोजपुरी को सिर्फ भोजपुरी तक सीमित नहीं रखा जाए, थोड़ा सा आपको और बढ़ाना है, कुछ और लोगों को जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यही मकसद था, और हम लोगों ने कुछ ऐसे नहीं कि किसी को भी जोड़ लिया, जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे वही हमारे दोनों के साथ एज ए आर्टिस्ट हो, एज ए टेक्नीशियन हो, वही जुड़े हैं, और लोग देखा नाम सब जानते ही होंगे जो साउंड इंजीनियर के लिए बड़े हैं, तो उनको हम अगर अपने साथ जोड़ रहे हैं तो इसके पीछे हमारा मकसद है कि भोजपुरी का साउंड हमेशा इंजीनियर का रहेगा, कि भोजपुरी के साउंड यही है कि 5.1% इस बार जो भी भोजपुरी दर्शन से मेरी निवेदन है इस फिल्म को जब देखेंगे तो जो हिंदी का साउंड है सेम साउंड और बाकी आप अभी देखें ही आप लोग से मुलाकात हुई चाहे डायलॉग फैन हो चाहे रवि पटेल हो चाहे अमिता भट्टा चाहिए हो ये ईच एंड एवरी वन डिजर्विंग द बेस्ट दैट्स व्हाई दे वर इन वॉल्यूम जो आप इस फिल्म को लॉन्च करने पाए जो
चूँकि मैं भोजपुरी से हूँ, ये मैं बहुत काम किया है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर आप एक जैसे हम कहीं रहते हैं तो हमारे लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होता है। सो अगर मैं कहीं आऊँ तो मैं किसी लैंग्वेज को लेता हूँ, कोशिश करता हूँ नहीं है कि आज हमारे पास क्या प्रॉब्लम होती है आप अगर देखेंगे तो जो थिएटर है हमारे थिएटर हैं लोग हैं हमारे पास, जो लोग नहीं है उन्हें हमें थिएटर बनाने की कोशिश करनी होगा, यही कोशिश करनी होगी। सर अब तो चाहिए, ये जो इनके अंदर जो है इसकी तारीफ सबको करनी चाहिए।
पब्लिसिटी होनी चाहिए थी हमारे ऐसे प्रोफेसर भोजपुरी में है, भोजपुरी दल में है, रोशन से कौन सर है मैंने इसमें जो नई हीरोइन इंट्रोड्यूस हुई है उन्होंने फादर का रोल किया था, वो इतनी बोल्ड थी कि उनके अगेंस्ट वैसा ही फादर चाहिए था, वो मैं ही पूरी इंडस्ट्री में भोजपुरी इंडस्ट्री में पिछले 20 साल तो मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ रोशन जी का। रोशन जी की प्रोडक्शन में मैं ये पहली फिल्म कर रहा हूँ और उन्होंने बहुत ही सम्मान दिया, बहुत ही इज्जत दी और काम करके बहुत मजा आया। दूसरा खेसारी भाई का, मेरी खेसारी भाई के साथ बहुत सारी फिल्में हैं और सारी हिट रही हैं अब तक, भगवान करें ये भी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो। तो एक भाभी जी है हमारी सर शर्मिला भाभी जी, उन्होंने बहुत प्यार दिया और मैं सर के म्यूजिक और सर के बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इस रोल के लिए मुझे चुना। बहुत अच्छा लगा और सबसे पहले तो अपना दर्शक के ढेर सारा प्रणाम बांटे और दिल से थैंक यू सो मच रोशन सर और सगीना मैम के कि हमारे फिल्म में मौका दे दी काम करेंगे और हम खेसारी जी के वही और काम कर बहुत अच्छा लगा जो बहुत अच्छा बनल बाटे। तो बस हम लोग अपन प्यार आशीर्वाद दी और स्पेशली बहुत सारा थैंक यू सर फिल्म और रोशन सर को सबसे पहले तो मैं इससे पहले भी आया अपन देखा मुझे दोबारा अपने पहले मंडप बिल्कुल वैसे स्मृति जी बहुत शानदार लुक लॉन्च हुआ है यहाँ पर रंदे बसंती का, आपको क्या लगा? जी जी मैं मिस कर गई लेकिन मेरी शुभकामनाएं बिल्कुल है इन लोग पूरी टीम के साथ है खेसारी जी के साथ हमेशा है शुभकामनाएं एंड रंदी जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, रोशन जी और आपको भी बहुत बहुत बधाई। शुभकामनाओं के साथ साथ आप भी मुझे साथ ही दिख रही है, शुभकामनाओं के साथ साथ आप भी मुझे साथ दिख रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमेशा साथ ही रहेंगी मेरी, दुनिया में कहीं चले जाएंगे मेरी ही है क्योंकि मैं इनका हूँ, मेरे फर्स्ट हीरो मैं इनका हूँ और मेरी फर्स्ट हीरोइन है तो इसलिए अनंत त्रिपाठी ज्यादा घुमा के फिरा के मत आप फंसाते हैं, ऐसे मस्ती कर रहा था यार ये मेरी है मैं इनका हूँ मैं सबका हूँ ये सबकी है और आप सब ऑडियंस के हैं। कार्ड दे दीजिए मुझे पता है हम दोनों ऑडियंस के हैं। बिल्कुल आप सब ऑडियंस के हैं। वैसे रंदे बसंती से बड़ी उम्मीदें हैं स्मृति जी फिल्म इंडस्ट्री को भी। जी बिल्कुल और एक बहुत ही अच्छा इन लोगों ने माहौल भी बनाया है और रोशन जी को इसके लिए सच में कांग्रेचुलेशन, आपने थोड़ा सा बार रेज किया है तो उम्मीद करती हूँ कि बाकी सारे प्रोड्यूसर्स भी और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। बाकी लोग क्या सीख सकते हैं? सीखने की जरूरत थोड़ी है, सबको आता है बट करना कोई नहीं चाहता, उसके लिए हिम्मत और हौसला चाहिए। आता ऐसा नहीं कि किसी को नहीं है, मुझे लगता है कि भोजपुरी में इनसे बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर पड़े हैं बट हिम्मत कहाँ से लाएंगे आप? पैसे आते हैं भाई, खर्चा करने के हौसला होने चाहिए और अच्छे कॉन्सेप्ट पे काम करने का एक जरिया होना चाहिए। कोई डायरेक्टर अच्छी फिल्म नहीं बनाता है, कोई राइटर अच्छी फिल्म नहीं बनाता, एक प्रोड्यूसर अगर चाह दे तो अच्छी फिल्म बन सकती है बट अगर उनका इनपुट उनका अपना उसमें जो होता है ना कि हर जगह आप नहीं भाई ये कैसे वो कैसे और रोशन सर के अंदर वो बातें हैं जो ये हमेशा। अब सोचिए कि मैं 1.5 महीने से बैठा हूँ भाई, एक कहानी इनका ही करना है और 1.5 महीने से कहानी चल रही है जबकि 6 महीने पहले लिखी जा चुकी थी, फिर से शुरू हो गई, अब 1.5 महीने में बैठा। लेकिन ऐसे एक्टर अगर कोई बेहतर चीज़ों पर काम हो रहा है तो मैं भी मुझे तसल्ली मिल रही है कि मुझे काम करना है और बेहतर करना है।
तो इसलिए इनसे भी बेहतर बेहतर इनके बड़े भाई, इनके इनसे उनसे भी बड़े भाई, इनके छोटे भाई, इनके कर्जन, हर आदमी तो है इस धरती पे, हर आदमी है। लेकिन जिगरा जैसे संघर्ष 2 जैसी फिल्में बनी ना, उससे ऊपर की ये फिल्में बनी, तो धीरे धीरे चीजें तो बड़ी हो ही रही, हम कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग आएंगे, और रोशन भैया के तो आप अगर एनिमल बनवाना है ना तो यही बना सकते हैं, इसके अलावा ये एनिमल बना सकते हैं, क्योंकि वो जिगरा है। क्योंकि पैसे कमाने के लिए अगर सिनेमा बनता ना, तो मुझे लगता है ये बेहतर सिनेमा नहीं बनती। अगर पैसा ना आपके अंदर हो ना, वो जुनून अगर आपके अंदर नहीं हो, तो डायरेक्टर कुछ नहीं करता भाई। डायरेक्टर अच्छा विजन ला सकता है, अगर उसके विजन के साथ एक प्रोड्यूसर खड़ा नहीं होगा तो एक डायरेक्टर क्या कर सकता है, एक अजय एक्टर क्या कर सकता है। एक फ्लॉप फिल्म का भी हीरो मैं होता हूँ, और एक अच्छे फिल्म का भी हीरो मैं होता हूँ। उसका रीजन सिर्फ यही है कि डायरेक्टर मुझे अच्छे प्रेजेंट करता है, एक प्रोड्यूसर हमें वो व्यवस्था देता है, तब हम एक अच्छी फिल्मों का हिस्सा बन पाते हैं और हम अच्छा एक्ट करते हैं। करना हमें बहुत कुछ आता है, बट कराने वाला अगर प्रमांशु सिंह जैसा हो तो कर सकता है ना आदमी। अदरवाइज कोई भी डायरेक्टर कराता है तब आदमी बेहतर कर पाता है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है कि अपनी सोच में हमें कैसे उतार रहा है, क्योंकि हम तो हर दिन काम करते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, लेकिन इनका सोच कुछ अलग होता है, वही हमें अलग बनाता है। नहीं तो हमारी सोच तो हर दिन एक ही जैसी होती है भाई। लेकिन अब हम तो अपने बीवी के नज़र में इनको भी देखते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी हमारी बीवी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कंट्रोवर्सी नहीं है, सच्चाई है कि एक इंसान हर लड़की के नज़र में तो अपनी बहन भी देख सकता है, बीवी भी देख सकता है। अब उसका देखने का नज़रिया हमारा डायरेक्टर चेंज करेगा कि नहीं बेटा, ये तुम्हारी बहन है, इसको बहन के हिसाब से देख, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारी बेटी है। तो ऐसे डायरेक्टर बकायदे एक स्क्रिप्ट लेके आता है, सिर्फ इसलिए कि बेटा मुझे बताता है कि बेटा तुम्हें ये बोलना है, यहाँ ये चीज़ें करना है। तो हमें घर में सब कुछ आता है, हमारे अंदर एक नास्तिक भी है और एक आस्तिक भी है, हमारे अंदर एक राम भी है और हमारे अंदर एक रावण भी है। अब हमें तुलसीदास बताएंगे कि रावण कौन था और राम कौन था, और वो हमारा तुलसीदास ये है। तो जिंदगी में एक तुलसीदास आपके जीवन में जब होगा, तभी बताएगा जे हमारी करैक्टर क्या है, हमारी जिंदगी क्या है, हमें चलने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। तो जिंदगी में तुलसीदास और हमारी जो चीजें हैं भाई, इनसे मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप से ज्यादा ये मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं अपने माँ बाप के पास जितना दे रहा हूँ वो बहुत रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जब भी इनके साथ रहा हूँ तो मुझे कुछ बेहतर सीखने को मिला, क्योंकि मुझे एक पता नहीं था तो इन्होंने मुझे ए का मतलब बताया। तो मुझे लगता है कि जेड तक यही बताते रहेंगे, और जब तक जीवन में हमें कोशिश करूँगा कि हमसे भी ज़्यादा उम्र सर का हो, ताकि जेड तक मुझे जो भी ना आए वो बताते रहें। रोशन सर, ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर